हेलो दोस्तों, स्वीटी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं ये इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज है। चलिए हम इसका नाप ले लेते हैं। सबसे पहले हमें लंबाई देखनी होगी ब्लाउज की। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 15 इंच। चलिए ये हम लिख लेते हैं। अब हम इसके शोल्डर नापेंगे। यहाँ से इस ब्लाउज के शोल्डर आ रहे हैं 14 इंच। हम वो भी लिख लेंगे कॉपी में। इस तरीके से हमें अब चेस्ट नापना है। यहाँ पर चेस्ट आ रहा है 19 इंच, वो भी हमें कॉपी पे लिख लेना है पूरा नाप। अब कमर का मेजरमेंट देखेंगे। कमर का मेजरमेंट यहाँ पर है 17 इंच। उसके बाद हमें डॉट लेंथ देखना है। डॉट लेंथ आएगी हमारी 9.5 पर, लेकिन आधे इंच का कंधी पे दबाव जाएगा तो ये हो गई 10 इंच पर। उसके बाद आप आस्तीन जितनी भी लंबी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखी है 10 इंच और वहाँ पे आपको आस्तीन की गोलाई भी देख लेना है। यहाँ पे गोलाई आ रही है हमारी 5 इंच। अब हम इस तरीके से गले को नापेंगे कि हमें गला कितना डीप रखना है। यहाँ पे गला आ रहा है 6.5 इंच। मैं इसमें आधा इंच प्लस करके रखूँगी 7 इंच। अब बैक गला भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर बैक गला आ रहा है 9 इंच, तो यहाँ पे मैं आधा इंच प्लस करके रखूँगी तो हो जाएगा 9.5 इंच। अब हमारा सबसे मेन पॉइंट जो है आर्म होल की गोलाई, उसे भी हमें इंची टेप को बाहर रखते हुए आधा इंच नाप लेना है। यहाँ पे ये आ रहा है 9.5 इंच। इस तरीके से हमें पूरे नाप को लिख लेना है किसी भी कॉपी या डायरी में। देखिए यहाँ पर हमने सारे नाप को लिख लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 मीटर अस्तर और 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। देखिए यहाँ पर हमने अस्तर को फोल्ड कर दिया है इस तरीके से जितना हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने 13 इंच तक फोल्ड किया है। इस तरीके से मैं नाप के दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल से एक अपने अस्तर पे सीधा निशान लगा देना है। उसके बाद हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई टोटल 14 इंच थी, हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे। देखिए प्लस कर दिया 1 इंच तो ये हो गई टोटल 15 इंच। भी इस तरीके से 15 इंच पे मार्क करके हमें इस लाइन को सीधा कर देना है। अब हम यहाँ पे ब्लाउज़ के शोल्डर देखेंगे। ब्लाउज़ के शोल्डर जो थे वो आ रहे थे 14 इंच, तो पहले हमें 14 का हाफ करना है। आया 7 इंच और गला डीप होने की वजह से हम 7 में से 1 इंच माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा हो गया 6 इंच। तो यहाँ हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आर्म होल भी हम लेंगे 6.5 इंच। इस तरीके से आधा इंच मार्जिन प्लस करते हुए 6 इंच हमने शोल्डर लिया और आर्म होल लिया 6.5 इंच। अब हम यहाँ चेस्ट देखेंगे। चेस्ट आ रहा था हमारा 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा 9.5 इंच। इस तरीके से 9.5 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच का मार्जिन, सिलाई मार्जिन। और यहाँ पे हमें अंदर की तरफ 0.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और इसे शोल्डर से मिला देना है। देखिए अब हम यहाँ पे डॉट लेंथ का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और इसे भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट देखना है। दोस्तों कमर का जो नाप था वो था 17 इंच, तो यहाँ पे हम 17 का हाफ कर देंगे जो कि आएगा 8.5 इंच। इस तरीके से 8.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है। उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पे प्लेट का ऐड कर देंगे। जो प्लेट बनाएंगे हम 1.5 इंच यहाँ प्लेट का ऐड कर देंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच।
अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। हमारे फ्रंट नेक की लंबाई थी 6.5 इंच, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 7 इंच पे मार्क करते हुए हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में आपको आप जौन सा भी गला बनाना चाहते हैं वो शेप दे देना है। यहाँ पे मैं गला गोल बना रही हूँ इसलिए मैंने गोल शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरीके से पहले आपको 1 इंच पर रखकर निशान लगाना है, उसके बाद आपको 1.5 इंच पर रखकर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हल्के हाथों से इस तरीके से अच्छे से गोलाई में कर देना है। देखिए अब हमने आर्म होल में गोलाई दे दी है, गले में भी दे दी है। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर और यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 इंच पर इस तरीके से हमने। और ये प्लेट हमारी रहेगी 4 इंच लंबी, इस तरीके से 4 इंच लंबी रहेगी प्लेट हमारी। और यहाँ पे हमने प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन दिया था तो हम यहाँ पे भी 1.25 इंच और 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट से जोड़ देंगे दोनों तरफ से। ये प्लेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब इस तरीके से हमें और 3 प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं। ऐसे इंची टैप को तिरछा रखते हुए 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इन निशानों को सीधा कर देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप 3 या 3.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है। देखिए हमने अपनी प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें कट लगाना होगा मेन पॉइंट्स पर। देखिए हमने कट भी लगा लिए हैं। अब हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। ये बैक ओपन ब्लाउज है इसलिए हमें 2 पॉइंट का आगे की तरफ मार्जिन देना है जिसमें हम अपनी हाई हुक की पट्टी लगाएंगे और सेम रखकर हम उसे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपना बैक पार्ट कटिंग कर लिया है, उसमें कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। हमारा गला था 9 इंच का तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पर। इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में भी हम गोल गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे गोल गले का पैटर्न दे देंगे इस तरीके से। इन दोनों कट्स के बीच में हमारी प्लेट आएगी। देखिए दोस्तों ये हमारा फैब्रिक है। अब हम अपने कटे हुए अस्तर के पीसेस से फैब्रिक को भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, पहले मैंने 2 फोल्ड में रखा उसके बाद 4 फोल्ड में। अब हमें अपना बैक पार्ट ले लेना है, इस तरीके से मिलाते हुए रखना है बैक पार्ट को और हमें दोनों पार्ट्स को एक साथ कटिंग करके निकाल लेना है क्योंकि ये हमारा सिंपल ब्लाउज है तो हमारे दोनों पार्ट्स एक ही साथ कटिंग होकर निकल गए हैं। देखिए इस तरीके से अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम एक पार्ट को रखते हुए उसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे इस तरीके से। और जहाँ पर मैंने 1/2 इंच डाउन किया था बैक पार्ट को तिरछा किया था वहाँ पे भी हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे क्योंकि जब हमारी प्लेट डलती है तो ये कपड़ा जो है कॉर्नर निकल जाता है तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा कटिंग करते हैं। देखिए उसी तरह से हमें सेम मार्किंग करते हुए इस तरीके से उस कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है और आर्म होल जो फ्रंट आर्म होल होता है उसे भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हटा देना है इस तरीके से। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से हमें सेम
कटिंग कर देना है। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। अब हम आस्तीनों की कटिंग करेंगे। ये आस्तीनों का कपड़ा है, यहाँ पर कपड़ा कम था इसलिए मैंने कपड़े में जॉइंट लगाए हैं। देखिए अभी ये 2 फोल्ड में है, मैं इसको एक बार और फोल्ड कर देती हूँ। अभी ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। देखिए दोस्तों, ये 4 फोल्ड में हो गया है। हमें आस्तीनों की लंबाई रखना थी 10 इंच, लेकिन यहाँ पर मेरे आस्तीनों की लंबाई 10 इंच नहीं आ रही है, सिर्फ 8 इंच आ रही है, तो मैं उतनी ही रख लेती हूँ। इस तरीके से आपको दोनों तरफ से कपड़ा सीधा करने के बाद यहाँ पे 3.5 इंच के निशान लगा देना है। उस 3.5 इंच के निशान पर स्केल रखते हुए आपको सीधा कर देना है। और अब आप यहाँ पे एक पार्ट लेंगे अपने ब्लाउज़ का, और मार्जिन का छोड़ते हुए कंधे का आप आर्म होल को नाप लेंगे। इस तरीके से मेरा आर्म होल यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। कंधी का दबाव का कपड़ा छोड़ते हुए नापना है आपको। देखिए 9.5 इंच आ रहा था आर्म होल, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे 3.5 इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लेंगे। और जितना आपने ब्लाउज़ में मार्जिन लिया है उतना ही आप इसमें भी ले सकते हैं। और हमारे जो बाइसेप की गोलाई थी वो थी 5 इंच, तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है सिलाई का। इस तरीके से हमें दोनों निशानों को मिला देना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से पैटर्न देना है। देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से दे रही हूँ, इस तरीके से पैटर्न देते हुए हमें इसकी कटिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें अपनी आस्तीन की कटिंग कर देना है। और यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम कट लगा लेंगे, ये सेंटर में, और ऊपर की साइड फिटिंग का कट और नीचे की साइड फिटिंग का कट। हम तीनों जगह पर कट लगाने के बाद आस्तीनों को खोल कर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी आस्तीन को खोल कर रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट आर्म होल होता है, जहाँ पर हम 1/2 इंच की गोलाई देते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम उसे भी कटिंग करके हटा देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा ले लिया है 2 फोल्ड में। हम अपनी आस्तीनों को खुला हुआ इस तरीके से रख देंगे और बिल्कुल सेम आस्तीनों को रखते हुए 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से पूरे आस्तीनों को कटिंग कर लेंगे। सेम अस्तर को रखकर हमने आस्तीन कटिंग कर ली है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी कट लगा लेंगे कपड़े में भी। देखिए दोस्तों, हमने कपड़े में भी आस्तीनों के कट लगाकर आस्तीनों को रेडी कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।